आज का हमारा टॉपिक है रॉय एडेप्टेशन मॉडल और थ्योरी। जो रॉय एडेप्टेशन मॉडल था ये दिया था सिस्टर कैलिस्टर रॉय ने, किस कब दिया था 1979 में सिस्टर कैलिस्टर रॉय ने क्या दिया था, रॉय एडेप्टेशन मॉडल और थ्योरी दिया था। ओके, उनका जन्म कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1939 में उनका जन्म हुआ था। जब हम देखते हैं कि उन्होंने थ्योरी क्यों दी थी, ये थ्योरी उन्होंने दी थी एक पर्सन को लेकर, यानी कि कोई पर्सन कैसे एक इन्वायरमेंट के साथ या फिर एक स्टिमुलाई के साथ, न्यू इन्वायरमेंट के साथ कैसे अडेप्ट कर पाता है, इसको लेकर उन्होंने थ्योरी दी थी। इसको हम एडेप्टेशन थ्योरी भी बोलते हैं और इसको 1979 में सिस्टर कैलिस्टर रॉय ने दी थी। ओके, अगर हम जाने कि सिस्टर कैलिस्टर रॉय कहाँ कहाँ वर्क करती थी, तो ऐसा वर्क करती थी एक नर्स की तरह, एक थ्योरिस्ट की तरह, एक राइटर की तरह, एक लेक्चरर की तरह, एक रिसर्चर की तरह और एक टीचर की तरह उन्होंने वर्क किया था। ओके, तो जब हम जाने कि सिस्टर कैलिस्टर रॉय की क्वालिफिकेशन क्या थी, तो उन्होंने बीए किया था नर्सिंग से, साथ ही साथ उन्होंने पीएचडी की थी सोशियोलॉजी से की थी, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से उन्होंने ये किया था। इसके बाद देखते हैं कि उनको ये एडेप्टेशन मॉडल बनाने का आइडिया कहाँ से आया। तो जब वो सेमिनार में गई तो सेमिनार में देखा गया कि वहाँ पर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल थे, उन्होंने उनको चैलेंज किया कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाए नर्सिंग के लिए। तो उन्होंने ये मॉडल तैयार किया जिसको उन्होंने नाम दिया रॉय एडेप्टेशन मॉडल या फिर एडेप्टेशन मॉडल। ओके, अब हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ मेजर कॉन्सेप्ट दिए थे। उन कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि एक एडेप्टेशन का मतलब क्या है, या फिर एक पर्सन को उन्होंने किस तरीके से देखा, किस क्या नज़रिया था उनका एक पर्सन को देखने का, एनवायरनमेंट का, हेल्थ का और नर्सिंग का। तो ये सब उनके नज़रिए के बेसिस पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ओके, तो मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट आता है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब था गोल ऑफ नर्सिंग, यानी कि एक नर्सिंग का क्या गोल है, यानी कि जो नर्सिंग में एक गोल बनाते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि एक नर्सिंग का एक रोल होता है कि वो एक गोल बनाए कि कैसे एक पर्सन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाए, एक डिफरेंट सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर पाए, जो भी स्टिमुलाई या जो भी ऐसी चीज़ आ रही है जो उनको अडेप्ट करने में रोक रही है, बैरियर क्रिएट कर रही है, वो मतलब बैरियर क्रिएट ना कर पाए और एक पर्सन क्या कर पाए, एक डिफरेंट प्लेस पर या डिफरेंट जगह पर अडेप्ट कर पाए। ओके, सेकंड वो देखते हैं पर्सन क्या था। पर्सन उनको बताया एक एडेप्टिव सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो एडेप्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। ओके, हर एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो उसके अनुसार वर्क करते हैं, उसके अनुसार उनका एडेप्टेशन लेवल होता है। हर कोई अडेप्ट नहीं कर पाता, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता है। ओके, तो जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब कोई इन्वायरमेंट, उनका जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसी उनके सामने स्टिमुलाई या बैरियर्स आते हैं, जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं और उसमें वो अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, न्यू जगह पे न्यू अडेप्टेशन वो अपनाते हैं। ओके, तो पर्सन को उन्होंने बताया एक एडेप्टिव सिस्टम जो अडेप्ट करता है। देन उन्होंने बताया इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट उन्होंने बताया कि एक स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई यानी वो स्टिमुलाई जो कि क्या कर रहा है, एक पर्सन को अडेप्ट करने में या अडेप्टेशन को रोकने में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसको उन्होंने क्या बताया, इन्वायरमेंट। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट जैसे कि एक कोई न्यू जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, मे बी पॉसिबल कि एक पर्सन है जो कि न्यू उस जगह पे काम करने गया है, और तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है उसके लिए बिल्कुल अनजान है। ओके, अब वहाँ का इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई क्या हो सकता है, वहाँ के लोग, अब वहाँ के लोग उससे कैसा बिहेव करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, तो वो स्टिमुलाई बन जाएगा और उस पर्सन को एडेप्टेशन में हेल्प होगी या फिर नहीं होगी ये उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या करता है, जो आपका एडेप्टेशन है वो आपके इन्वायरमेंट के, उसके स्टिमुलाई जो जनरेट होती हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, लास्ट वन हम देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है, आउटकम ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि एक पर्सन ने अडेप्ट किया या नहीं किया, उसका जो भी आउटकम होगा वो क्या होगा, हेल्थ। एक पर्सन की हेल्थ कब हो पाती है अच्छी, जब वो किसी न्यू जगह पे जाता है और वो अडेप्ट कर पाता है। अगर कोई पर्सन किसी जगह पे किसी प्लेस पर अडेप्ट नहीं कर पाएगा या फिर किसी सिचुएशन के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी हेल्थ अफेक्ट होती है और उसकी हेल्थ में इलनेस कॉज होती है। ओके, सो हेल्थ को उन्होंने बताया क्या, आउटकम ऑफ एडेप्टेशन, यानी कि एडेप्टेशन का जो भी आउटकम होगा चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो उन्होंने बताया हेल्थ के बारे में। लास्ट उन्होंने बताया नर्सिंग क्या है। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग में मतलब यही था कि जो भी एडेप्टेशन है उसको प्रमोट करना है जो पर्सन की, और उनको जो भी उनका गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करना है। सो दैट्स फॉर द प्रमोटिंग एडेप्टेशन एंड हेल्थ, यानी एडेप्टेशन एंड हेल्थ, यानी कि हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है, अचीव करने में हेल्प करना है, और एक पर्सन को डिफरेंट प्लेस पे या डिफरेंट एनवायरमेंट में अडेप्ट कराने में हेल्प करना है। तो ये नर्सिंग का एक गोल था। ओके, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया। कॉन्सेप्ट के बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सब सिस्टम। तो सब सिस्टम में हम देख लेते हैं यानी कि जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स थे उसके अंदर कौन कौन से ऐसी फैक्टर्स आते हैं। तो इसमें आ जाते हैं प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, तो ये प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम देखेंगे।
दो प्रोसेस बताई थी। प्राइमरी प्रोसेस में आता है कोपिंग मैकेनिज्म, यानी कि वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा एक पर्सन एक इन्वायरमेंट के साथ, एक स्टिमुलाई के साथ, एक इन्वायरमेंट के साथ क्या कर पा रहा है, कोप कर पा रहा है, एक सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है, इसमें आता है कोपिंग मैकेनिज्म के अंदर। तो फर्स्ट वन इज द रेगुलेटर सिस्टम एंड सेकंड वन इज द कॉग्निटिव सिस्टम। रेगुलेटर सिस्टम यानी ये होता है, यानी कोई भी स्टिमुलाई है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एडेप्टिव एडेप्ट करने वाली चीज़ है, तो उसको क्या कर पा रहा है, वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है पहले सिचुएशन को, एक पर्सन उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि वो कंट्रोल कर सकता है या एडेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। देन उसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव सिस्टम। कॉग्निटिव सिस्टम के अंदर क्या करता है, एक पर्सन उस चीज़ को परसीव करने की कोशिश करता है, उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करता है कि स्टिमुलाई एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब उसको एक्चुअल पता होगा कि स्टिमुलाई ये है या फिर इन्वायरमेंट ऐसा है, तभी वो क्या कर पाएगा, उस चीज़ से एडेप्ट कर पाएगा। तो ये आ जाता है हमारा प्राइमरी प्रोसेस के अंदर। प्राइमरी प्रोसेस इज द कोपिंग मैकेनिज्म। सेकंड हम देखते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस में हम डील करते हैं फिजियोलॉजिकल फिजिकल एडेप्टिव मोड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि ऐसे स्टिमुलाई जो कि क्या करते हैं आपकी फिजिकली अफेक्ट कर रहे हैं या फिजिकल इन्वायरमेंट में आके आपको एडेप्ट करने में एडेप्ट करने से रोक रहे हैं किसी चीज़ को या फिर एडेप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन है ऑक्सीजनेशन, यानी कि एक पर्सन है उसको ऑक्सीजनेशन में दिक्कत हो रही है, लाइक हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होती है या फिर ऐसी कोई पर्सन है जिसको प्रॉब्लम है लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उसको ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्या होगा, किसी चीज़ में एडेप्ट कर पाना मुश्किल होगा। यानी कि अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वहाँ पे एडेप्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स फॉर द स्टिमुलाई। सेकंड हम देखते हैं न्यूट्रिशन। अगर किसी को न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं मिल रहा, तो उसकी हेल्थ इल होगी और वो क्या कर पाएगा, उस जगह पर एडेप्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स फॉर द न्यूट्रिशन। देन एलिमिनेशन, अगर किसी का एलिमिनेशन पैटर्न सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, एलिमिनेशन पैटर्न यानी उसका जो भी उसका यूरिन आउटपुट है नहीं हो पा रहा सही से, या फिर उसका स्टूल अच्छे से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस जगह पे एडेप्ट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कॉन्स्टिपेशन लगातार बना हुआ है, उसका कॉन्स्टिपेशन क्या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, वो वहाँ पे एडेप्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसका जो भी एलिमिनेशन पैटर्न है उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। ओके, तब जाके वो क्या कर पाएगा, उस जगह पे एडेप्ट कर पाएगा। देन हम बात करते हैं एक्टिविटी एंड रेस्ट। एक्टिविटी एंड रेस्ट के अंदर हम देखते हैं, एक पेशेंट है उसको उसको एक्टिविटी भी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए, तो अगर वो एक्टिविटी कर पा रहा है तो क्या है, वो वहाँ पे एडेप्ट कर पा रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो कि एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए उसकी कोई इलनेस है या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह है, तो वो वहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उस जगह से वो एडेप्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, देन कोई पर्सन है जो रेस्ट नहीं कर पा रहा है किसी जगह पे, तो क्या होगा, उसको एडेप्ट करने में दिक्कत होगी। देन आता है सेंसेस। अगर किसी पर्सन के सेंसेस वर्क नहीं कर रहे हैं सही से, तो वो क्या कर पाएगा, किसी जगह पे एडेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल फिजिकल एक्टिव मोड। देन हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट मोड। सेल्फ कॉन्सेप्ट मोड में होता है कि एक पर्सन अपने आप को कितना जानता है, किस हद तक जानता है, अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या बिलीफ है, क्या फीलिंग है अपने बारे में, कि वो किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट पे अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब ये डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन है जो कि अपने आप को मानता है कि वो अडॉप्ट कर लेगा, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट का है या उसका अच्छा नेचर है, तो वो क्या कर पाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा और किसी भी सिचुएशन से अडॉप्टेशन में अपने आप को एडेप्ट करने में हेल्प करेगा अपने आप को। साथ ही साथ कोई पर्सन रहता है जो अपने आप को उसकी थिंकिंग ऐसी है कि वो एडेप्ट नहीं कर पाएगा किसी न्यू सिचुएशन में या न्यू इन्वायरमेंट के साथ, न्यू स्टिमुलाई के साथ, तो वो क्या करेगा, वो एडेप्ट नहीं करेगा और उस सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। देन हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस एडेप्टिव मोड। ओके, इंटरडिपेंडेंस एडेप्टिव मोड होता है, यानी कि वो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको लगता है, इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है दो लोगों के बीच में, यानी कि उनको किसी के साथ की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई पर्सन है किसी जगह पे न्यू जॉब पे जाता है, और साथ में उसको लगता है कि अगर उसके साथ वाला कोई होगा, उसका फ्रेंड होगा, तो वो जल्दी से अडेप्ट कर पाएगा उस न्यू इन्वायरमेंट के साथ में। अगर उसको कोई ऐसा साथ वाले एकदम अनजान होंगे या फिर एकदम ही स्ट्रेंजर्स मिल जाएंगे, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बिलीफ अगर फीलिंग अगर उसके अंदर है, तो ये फिर आउटकम में वही आएगा, वो अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पर डिपेंड करेगा। देन हम देखते हैं रोल फंक्शन एडेप्टिव मोड। रोल फंक्शन एडेप्टिव मोड में होता है, यानी कि दो रोल, मान लीजिए एक बॉस है या फिर एक उनका एम्प्लॉय है। मान लीजिए एक पर्सन एक नई जगह पे आया है और उसके साथ में जो भी एम्प्लॉय जो भी साथ में उसके कलीग्स हैं जिनके साथ वो अच्छे से कॉपरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, एडप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स फॉर द रोल फंक्शन एडेप्टिव मोड। तो
अब हम बात कर देते हैं कि रॉय मॉडल क्या था। उन्होंने इस तरीके से एक मॉडल बनाया था जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हम एक इनपुट देते हैं, इनपुट में क्या आ जाता है, स्टिमुलाई जो भी इन्वायरमेंट के थ्रू उसको मिल रहा है। देन हम देखते हैं कि कंट्रोल प्रोसेस जो कि एक पर्सन खुद करता है। फर्स्ट वन इज द कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है, रेगुलेटर या फिर कॉग्निटर, यानी कि किस तरीके से वो रेगुलेट कर रहा है अपनी सिचुएशन को, स्टिमुलाई के साथ कैसे अडेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वो उस चीज़ को स्टिमुलाई को पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है, तो दैट्स फॉर द कंट्रोल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। देन आता है इफेक्टर्स, यानी कौन कौन से ऐसे इफेक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, उसके जो भी एडेप्टेशन प्रोसेस है उसके बीच में बैरियर क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है एक पर्सन। ओके, सो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हमने जाना था, चाहे वो एलिमिनेशन हो या फिर ऑक्सीजनेशन हो या फिर उसका रेस्ट एक्टिविटी हो इसके थ्रू, या फिर सेल कॉन्सेप्ट, वो अपने आप को क्या कैसा समझता है, अपने बारे में क्या फीलिंग या बिलीफ रखता है इसको लेकर। देन रोल फंक्शन, यानी कि नई जगह पर जा रहा है एंड न्यू लोगों के साथ ऐसा रोल है तो वो कैसे उनके साथ अडेप्ट कर पा रहा है न्यू जगह पे न्यू लोगों के साथ। देन इंटरडिपेंडेंस, यानी कि वो कुछ किसी लोगों किन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है या फिर उनको लगता है कि अगर मैं इनके साथ रहूँगा तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अडेप्ट कर पाऊँगा, तो ये आ जाता है इफेक्टर्स, ये इफेक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। एंड लास्ट वन था आउटपुट। आउटपुट में क्या हम देखते हैं, आउटपुट में हम यही देखते हैं कि एक पर्सन उसको ये सब हुआ, इनपुट दिया, देन कंट्रोल प्रोसेस हुआ, देन फैक्टर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो एडेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, ये आ जाता है आउटकम में। तो डायरेक्टली देखा जाता है जो इनपुट है और आउटपुट, इसको हम डायरेक्टली देखते हैं इस तरीके से कि जो हमने इनपुट दिया उसका आउटकम क्या आ रहा है या फिर उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो दैट्स व्हाट द रॉय एडेप्टेशन मॉडल। और तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि किसने दिया था, सिस्टर कैलिस्टर रॉय ने दिया था। कब दिया था, 1979 में दिया था। इनका हमने देखा बॉर्न कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1939। देन हमने इनके मेजर कॉन्सेप्ट को डील किया। मेजर कॉन्सेप्ट के बाद हमने देखा कि सब सिस्टम क्या क्या होते हैं और सब सिस्टम के बाद हमने देखा कि इस मॉडल कैसा है। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।